यार देखियो, यहाँ सभी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं यार। हमें भी पटाखे फोड़ने हैं यार, हम भी पटाखे फोड़ते हैं यार। मेरे पापा ने तो मेरे को दिलवाए नहीं, और ना तेरे घर वाले ने तेरे को दिलवाए। मेरे तो ना चाचा लेकर आएंगे पटाखे, मेरे पापा कभी नहीं लेकर आते, हमेशा ना मेरे चाचा लेकर आते हैं। मेरे को तो खुद खरीदने पड़ेंगे, और मम्मी मेरे को दिवाली पे दिलवाएंगे पटाखे। यार देखियो, दिवाली में अभी एक हफ्ता है और सभी लोग बम पटाखे फोड़ रहे हैं यार, हम भी फोड़ेंगे ना। एक काम करते हैं, हम तीनों ना अपने घर पे चलते हैं और घर वालों से पैसे कलेक्ट करके लाएंगे और उनके मिलजुल के बम पटाखे लाएंगे, फिर मिलके फोड़ेंगे, ठीक है? तो चलो फिर अपने अपने घर चलते आओ। मम्मी मम्मी मेरे को पटाखे दिला दो। अरे बेटा अभी तो दिवाली भी नहीं आई, पटाखों का क्या करेगा तू? अरे मम्मी मेरे को नहीं पता, मेरे को पटाखे फोड़ने हैं, सारे बच्चे फोड़ रहे हैं पड़ोस के, मेरे को भी फोड़ने हैं। अच्छा तू एक काम कर, पिछले साल की फुलझड़ियां रखी हुई हैं उनको ले जा, वो जला ले। अरे मम्मी मेरे को नहीं पता, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अब मैं फुलझड़ी नहीं जलाऊंगा, मेरे को बम फोड़ने हैं, मेरे को पटाखे फोड़ने, मेरे को नहीं पता। तू अभी कहाँ बड़ा हुआ है, 10-12 साल का तो है ही, छोटा सा तो बच्चा है तू। अरे नहीं मम्मी नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे सारे दोस्त ना फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो देखो छोटा बच्चा गया, और मेरे को बोलेंगे फुलझड़ी जला रहा है मम्मा बोए। मेरे को नहीं पता, आप मेरे को पैसे दो, मेरे को फुलझड़ी नहीं जलानी, मेरे को पटाखे फोड़ने हैं, पटाखे के पैसे दो मेरे को। अच्छा ठीक है, 10 रुपए ले जा, मुर्गा छाप का पैकेट ले आ जाएगा 10 रुपए में। अरे मम्मी आप कौन से जमाने में जी रहे हो, मुर्गा छाप 40 रुपए का आता अब। 40 का, तू रहने दे बेटा, मेरे पास नहीं इतने पैसे। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो, मेरे को पटाखे फोड़ने, मुझे पैसे दो, मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे दो। अच्छा ठीक है एक काम कर, तेरे को 40 रुपए दे देती हूँ, मुर्गा छाप का पैकेट ले आ। 40 रुपए नहीं चाहिए मेरे को 100 रुपए दो। अरे तू क्या करेगा 100 रुपए का? मम्मी 100 रुपए चाहिए मेरे को, मैं रॉकेट लेके आऊंगा और वो बिजली बम लेके आऊंगा, 50 रुपए का पैकेट आएगा उसका, मेरे को 100 रुपए दो, बम पटाखे फोड़ूंगा तभी तो मजा आएगा ना। अरे बेटा दिवाली से एक हफ्ता पहले ये तूने कौन सा ड्रामा लगा रखा है, तेरा कोई ड्रामा नहीं चलेगा, अभी दिवाली आने में टाइम है, 40 रुपए लेने हैं तो ले वरना जा। मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे दो, 100 रुपए दो मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को पटाखे फोड़ने हैं, पैसे दो मेरे को नहीं पता। अच्छा तो अच्छा सुन मेरी बात, 50 रुपए देती हूँ, ले ली अपने बम पटाखे। अच्छा चलो ठीक है लाओ दो 50 रुपए, लेकिन कुछ और भी तो दो ना साथ में खाने के लिए। अच्छा अब तू खाने के भी लेगा? और क्या मम्मी, मेरे को खाने के भी चाहिए, मेरे सारे दोस्त बम पटाखे फोड़ेंगे, साथ में खाना पीना भी करेंगे, तो मैं नहीं करूंगा क्या खाना पीना? मेरे को मोमोज खाने हैं, मेरे को पैसे दो, और मेरे को वो अंकल चिप्स भी लेना, लाओ पैसे दो मेरे को। अच्छा ठीक है ये 100 रुपए पकड़ और चल भाग यहाँ से, और सुन 1 घंटे के अंदर घर आ जाइयो, अभी बजे 6, 7 बजे तक मेरे को तू घर पे चाहिए, और सुन थोड़ी बहुत देर में तेरे पापा भी आ जाएंगे, उनके आने से पहले मेरे को तू घर पे चाहिए, और उसके बाद तेरे को स्कूल का होमवर्क भी करना है, चल अब जा। हाँ ठीक है मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं टाइम से 7 बजे घर पे आ जाऊंगा और आके स्कूल का होमवर्क भी कर लूंगा, बाय। गाइस ये देखो मेरी मम्मी ने तो मुझे 100 रुपए दिए। यार मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर से डांट और दिया। अरे यार मेरी मम्मा ना तो बहुत स्वीट है, मेरी मम्मा ने मेरे को पूरे 200 रुपए दिए। चल भाई गोपाल कोई बात नहीं, तू ना हमारे पैसों में से बम पटाखे ले लियो, अभी हम तीनों चलते हैं दुकान पे और बम पटाखे लेके आएंगे बहुत सारे, ठीक है चलो आओ। भाई देखो मेरे पास एक रॉकेट है, एक मुर्गा छाप का पैकेट है और एक बिजली बम का पैकेट है। ये देखो मेरे पास एक फुलझड़ी का डब्बा है और एक अनार है और 2 चक्री है। भाई मेरे को भी तो कुछ दो। मेरे पास ना 2 चक्री है तो तू एक रख ले। भाई और भी तो कुछ दो। भाई तू एक काम कर, तू ना ये रख ले और तू ये भी रख ले, पूरा टाइम तू ये टिक्की फोड़ता रही हो। चलो अब छत पे चलते हैं पटाखे फोड़ने, आओ। अब ना हम ये चक्री चलाते हैं। हाँ 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 यार ये ना उछल दिया, ये मेरे पर गिर जाएगी, इसको तू जला। नहीं नहीं मैं जलाऊंगा, तू टिक्की फोड़। मम्मी
तूने मेरी बेकार कर दी। कोई नहीं, मैं ना तेरे को अपने बिजली बम दे दूंगा। भाई रॉकेट जलाते हैं ना? नहीं भाई, ये रॉकेट मैं रात को जलाऊंगा अकेला। बड़ा हरामी हो बेटा। फुलझड़ी जला ले तू ले। नहीं, तू ये टिक्की फोड़। हाँ भाई, तो पैसों का जुगाड़ कर लिया अपना अपना? अरे यार, मैंने ना रक्षाबंधन पे पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे पास तो है, मैं उनके पटाखे ले आऊंगी। अगर कुछ कम भी पड़ गया ना तो मेरे इतने सारे बॉयफ्रेंड है, सबको बोल दूंगी कोई एक तो पैसे दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भाई तू बता, तूने कैसे जुगाड़ किया? अरे भाई, मैंने तो अपने पिछले महीने की ट्यूशन की फीस ही मार दी। अबे भाई क्या बात कर रहा है, तेरे टीचर ने पैसे नहीं मांगे? अरे भाई, मैंने ट्यूशन टीचर के सामने ना बहाना मार दिया कि सर मेरे पापा की टांग टूट गई और कोरोना में उनकी जॉब चली गई, और मैं उनके सामने इतना रोया कि उन्होंने मुझे एक नहीं 6 महीने की फीस माफ कर दी। और तो भाई, अब 6 महीने फुल मौज फुल पार्टी। वाह मेरे शेर, क्या बात है। अरे भाई तूने कहां से जुगाड़ करा, तेरा बाप तो बड़ा कंजूस है। हाँ हाँ रचित, तू कहां से ले आया, तूने कहां से जुगाड़ किया? तेरे पापा तो दिवाली के नाम पे कभी भी पैसे ना निकाले। अरे यार, मम्मी ने बोला था कि छत की सफाई कर दे, तो मैंने छत की सफाई कर दी। छत की सफाई? छत की सफाई करने से पैसे कहां से आ गए? अरे भाई मेरी बात पूरी तो सुन ले, मम्मी ने बोला था कि छत की सफाई कर दे, फिर मैंने अपना तेज दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना मैं सारा कबाड़ा बेच दूं और इसके पैसे हड़प लूं। अरे भाई तेरा बाप तो इतना कंजूस है कि छत पर कबाड़ा कभी रखता ही नहीं, और हाँ गलती से कहीं रख भी देना तो उस कबाड़े का भी जुगाड़ लगाकर इस्तेमाल कर लेता है। अरे भाई यही तो बात है, वो सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे लिए सब कबाड़ा ही था ना। उन्होंने बोला था कि कबाड़ा बेच दे, उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि जो चीज उनके लिए कबाड़ा है वो बेच दे, और मेरे लिए तो सब कबाड़ा था। मैंने तो पूरी छत साफ कर दी, सब बेच दिया, सारा कबाड़ा बेच दिया। जैसे कि? अबे जैसे कि मेरी छत पे रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, वो बेच दी, टेबल फैन वो बेच दिया, कूलर वो बेच दिया, सब बेच दिया। अरे भाई तेरे बाप को पता लगेगा तो? अरे जब मेरे बाप को पता लगेगा ना, तब तक तो हम दिवाली के पटाखे भी जला चुके होंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दूंगा आप लोगों ने ही बोला था छत की सफाई करने को, तो मैंने कर दी। सही है भाई, दिमाग तो है तेरे में। दिमाग तो है मेरे अंदर। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि हम पटाखे लेने कहाँ जाएं? हाँ यार, आसपास तो कहीं पटाखे नहीं मिल रहे, पूरी दिल्ली में बैन हो रखा है हर बार की तरह, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हाँ मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। हाँ मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हूँ। अबे यार इतनी जगह ट्राई कर लिया, कहीं भी पटाखों का जुगाड़ नहीं हुआ। अरे भाई मैंने भी हर जगह जुगाड़ देखा पर कहीं नहीं मिला कुछ। अरे यार मैंने अपने सारे बॉयफ्रेंड से पूछ लिया, कोई भी जुगाड़ नहीं करवा पाया। अरे भाई एक मिनट, मुझे याद आया, मुझे पता है पटाखे कहाँ मिलेंगे, मुझे पता है पटाखों का जुगाड़ कौन करा सकता है। यार मेरे ना मौसी के मामा के फूफा के लड़के के चाचा के दोस्त का भाई है, उसको पता है कि पटाखे कहाँ मिलेंगे, लेकिन यार होलसेल में मिलेंगे पटाखे। और यार एक दिक्कत है, पटाखे ना पिछले साल के हैं, चलेंगे? अरे चलेगा, दौड़ेगा। यार एक और दिक्कत है, हमें पटाखे लेने ना फरीदाबाद जाना पड़ेगा बहुत दूर। हाँ तो निकाल अपनी गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी निकालूं? हाँ हाँ निकाल। अरे अरे लेकिन अच्छा ठीक है यार। अबे यार मैंने पहले ही घर वालों का कबाड़ा बेच के पैसा खा रखा है, अब तुम लोगों के चक्कर में मेरे को गाड़ी की चाबी और चुरानी पड़ी। अबे चल चल पटाखे लेके आने, चल चल जल्दी चल। बहुत दूर जाना है, फरीदाबाद जाना है, 2 घंटे आने में लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे। 346 minutes later. यार बहुत सारे पटाखे ले तो आए हम, लेकिन ना ऐसी तैसी हो गई, 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे वापस आने में। अबे यार जो भी हो पर हमें पटाखे तो मिल गए ना। चल वैसे भी अब शाम हो रही है, जल्दी से पटाखे चलाते हैं। चलो चलो छत पे चलते हो। आजा भाई दबा के बम फोड़ेंगे। Happy Diwali! Yeah!
चल 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 जाने दे जाने दे जाने दे। गाइस अब बारी है स्काई शॉट की। ये! 5 4 3 2 ये! हैप्पी दिवाली। अब तेरा भाई ये बिजली बम फोड़ेगा, वो भी अपने हाथों में है। फोड़ भाई फोड़। भाई भाई मैं अभी बिजली बम फोड़ के दिखाऊंगा, अभी फोड़ता हूँ देख। अरे बम। अबे बच्चा बच्चा बेटा आप घर जाओ, मम्मी का दूध पियो, जाओ। अभी रुक जा। अरे अबे बच्चे घर जा, घर तेरे से नहीं फूटेगा बिजली बम। अबे बता एक बिजली बम भी नहीं फोड़ पा रहा है। अभी रुक जा, अभी दिखाता हूँ कौन है बच्चा। बच्चा किसको बोल रहा है तू? तेरे को। अभी रुक, यहीं दिखाता हूँ तेरे को बिजली बम फोड़ के, यहीं रुक। इसने मेरे को बच्चा बोल दिया यार। ये! देखा, फोड़ दिया ना बिजली बम। अब बता कौन है बच्चा। अच्छा अब मैं अपनी चरखरी चलाऊंगा। अरे बच्चे आजा आजा आजा। अच्छा ऐसी बात है ना, अभी देख तू, मैं ये अनार जलाऊंगा, अनार। देख तू, तूने मेरे को बच्चा कैसे बोला बे? अब देख इससे ये भी नहीं फूटेगा। ले ले ले, अरे अरे अब बता कौन है बच्चा। अब मैं रॉकेट जलाऊंगा। अब बोल। मैं ये सूतली बम फोड़ूंगा, सूतली बम। अब देख तू, मैं ये सूतली बम फोड़ूंगा। तूने मेरे को बच्चा कैसे बोला? अरे 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 ब्लूम। ओए सूतली बम फोड़ दिया मैंने, अब बता कौन है बच्चा है? बता बता कौन है बच्चा, बता। वो देख तू है बच्चा। अच्छा तूने ये ऊपर गदर मचा रखा है, मेरे को इतने लोगों ने बोल लिया नीचे कि तेरे लड़कों पर गदर मचा रहा है। तू चल मेरे साथ, मैं बताऊंगी तेरे को, चल। देख भाई गया बच्चा अपनी मम्मी के साथ। चल ठीक है, हम बम फोड़ते हैं। अरे भाई हैप्पी दिवाली। अरे भाई हैप्पी दिवाली। अरे भाई ये देख कितने सारे बम लेके आया हूँ, ऐसे बम छुटाएंगे ना सारे भाई मिलके, पूरे एरिया में सिर्फ हमारे बमों की आवाज आएगी। हाँ भाई हम दोनों ऐसे बम फोड़ेंगे कि पूरे एरिया में आवाज गूंजेगी। हाँ हाँ भाई सही है, फिर कुछ माचिस लाइटर तो निकाल फटाफट।
डब्बे निकालना। भाई ये बिजली बम मैं फोड़ूंगा और मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। अच्छा बेटा ये बात, अभी रुक तू, ये मुर्गा छाप देख रहा है, ये मुर्गा छाप छोड़ूंगा और ये ऐसी छाप छोड़ेंगे ना, ये मेरे से इंप्रेस हो जाएगी यहीं के यहीं। अब बोल। भाई अब मैं अनार बम फोड़ूंगा और इससे तो इंप्रेस हो ही जाएगी। अभी रुक तू, ये चरखी देख रहा है, ऐसे गोल गोल घूमेगी ना, इंप्रेस हो जाएगी। अब बता। अब मैं सुतली बम फोड़ूंगा, इसकी आवाज से तो इंप्रेस हो ही जाएगी। अच्छा बेटा ऐसी बात है, ये पकड़, ऐसा बम फोड़ूंगा ना उसकी आवाज पाकिस्तान छोड़ अफगानिस्तान तक जाएगी। अभी लेके आता हूँ, यहीं रुकियो। अब बता इससे तेज धमाका कर सकता है कोई? अभी फोड़ता हूँ देख, इंप्रेस क्या सेट होएगी सेट। अरे भाई छोड़ना, हम दिवाली मनाते हैं, हैप्पी दिवाली। चलो भाई बम फोड़ेंगे, बम आओ आओ आओ। अरे रचित बेटा मेरे साथ आके सफाई करवा दे और डेकोरेशन भी करवा दे, जल्दी आ बेटा। ठीक है मम्मी अभी आता हूँ। अरे वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा सजा दिया। हाँ मम्मी। ले बेटा ये पैसे ले, मार्केट से कुछ मिठाइयाँ और दिवाली का सामान ले आ। ठीक है अभी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा जल्दी ले आ। अरे रचित बेटा इधर आ एक बार। हाँ मम्मी क्या हुआ? बेटा मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, जब तक तुम दिए लगा दो। ठीक है मैं अभी लगा देता हूँ। ठीक है बेटा।
अरे मम्मी अभी तक पापा नहीं आए, कहाँ रह गए? अरे बेटा वो ड्यूटी से लेट हो गए, कोई जरूरी काम था उनको। दिए वगैरह तो लगने वाले हैं, बस फिर पूजा स्टार्ट करने का टाइम भी हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, हम पूजा स्टार्ट कर लेते हैं वरना हमारा पूजा का टाइम निकल जाएगा। चलो ठीक है फिर आ जाओ, हम पूजा स्टार्ट करते आ जाओ। मम्मी ये सारे मेरे दोस्त है, हम लोग ना छत पे जा रहे हैं बम पटाके फोड़ने, आप भी चलो हमारे साथ मिल के बम पटाके फोड़ेंगे। अरे बेटा अभी तुम्हारे पापा नहीं आए हैं, जब आएंगे तो इकट्ठे ही चलेंगे सारे। अच्छा आंटी एक बात बताओ, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? अच्छा हम दिवाली क्यों मनाते हैं, चलो बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ भाई सारे लोग ध्यान से सुनना, ठीक है बताओ मम्मी। ये बात तब की है जब अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेजा था। उनकी पत्नी सीता उनके बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो राम जी के साथ चली गई और उन दोनों के साथ राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। तो वो लोग जंगल में कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन शूर्पनखा ने लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी से शादी करने के लिए बोलने लगी। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया और उसने शूर्पनखा की नाक काट दी। और फिर शूर्पनखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई और ये देख के रावण को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने साधु का भेष बदलकर धोखे से सीता जी को उस कुटिया से उठा लिया और अपने साथ लंका ले गया। जब राम जी को ये बात पता चली तो उन्होंने रावण को हराकर उसका वध कर दिया और सीता जी को उसकी कैद से आजाद करवाया। और बच्चों बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उसके बाद जब राम जी अयोध्या लौटकर वापस आए तो वहां के लोगों ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया और तभी से हर साल वो दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों आप लोग भी जरूर अपने बच्चों को बताएं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, और जिसको पता है तो कमेंट करके मुझे बताएं। और जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए और सबको पता लग जाए कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। अरे ये देखो पापा भी आ गए, चलो भाई सब चलते हैं ऊपर पटाखे फोड़ के आएंगे। पापा आप भी हमारे साथ चलो, आओ। चलो ठीक है मैं तैयार हो गया, आता हूँ अभी। ठीक है जल्दी चेंज करके आओ। रचित खड़ा हो गया मेरे साथ, सफाई करवा दे। जब देखो कभी लैपटॉप कभी फोन, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? खड़ा हो गया जल्दी आ जा। आ रहा हूँ। अभी आ जा मेरे साथ वरना देख ले फिर। हाँ आ रहा हूँ, बोल दिया ना। जब देखो कभी ये कर दे वो कर दे। सबसे पहले कहाँ सफाई करूँ, एक काम करता हूँ यहीं कर देता हूँ। इस फोन में इतना अंधा हो गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कहाँ सफाई करनी है? जब देखो जब फोन में, छोड़ी से। और ये पैसे पकड़ कुछ और सामान ले गया दिवाली का, पागल कहीं का। 346 minutes later. अरे ये कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, कितनी देर होगी इसको, फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहां रह गया ये अभी तक। अरे कितनी देर हो गई अब तक आया नहीं, वो कहां रह गया? अरे मैंने फोन भी कर लिया उसको, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, फिर से करती हूँ फोन। अब भी नहीं उठा रहा फोन, पता नहीं कहाँ रह गया ये। पूजा का टाइम भी होने वाला है, पता नहीं कब आएगा वो। अरे मैं क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ रह गया ये। अरे ये लो आपका सामान, आधा मिला आधा नहीं मिला। अरे कहाँ रह गया था तुम? अरे वो रस्ते में ना दोस्त वगैरह मिल गए थे तो उन्हीं के साथ था, पता ही नहीं लगा कब टाइम बीत गया। चल ठीक है, तेरा हमेशा का यही रहता है, हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आके हमारे साथ तैयारी करवा ले और फिर पूजा भी करनी है। अरे मेरे बस की नहीं है पूजा की तैयारी वगैरह करवाना, मैं पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ था, बाहर था, थक गया हूँ मैं, मेरे को रेस्ट करना है। आप लोग करो अपना ये, मैं जाके रेस्ट कर रहा हूँ 1.5 घंटा।
अरे बेटा पूजा में तो तू आया नहीं, चल अब ऊपर ही चल हमारे साथ, थोड़े दिए मोमबत्ती जला लेंगे और पटाखे भी फोड़ लेंगे, चल आ जा। अरे मम्मी मैं नहीं आ रहा, मैं बाहर दोस्तों के साथ था ना, मैंने दिवाली भी मना ली और बम भी फोड़ लिए, और ये दिए भी जला के मैं क्या करूँगा, आप लोग जाओ जलाओ दिए। देख रहे हो आजकल के जवान बच्चों को, बिल्कुल नहीं सुनते ये कुछ भी, बचपन में कम से कम सुन तो लेते थे ये, और अब इनको बोलते रहो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनको, पता नहीं इनका आगे जाके होगा क्या। हे भगवान, अरे ये बच्चे ले तो आए, ये चलती कैसे है। मम्मी 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 आज तो दिवाली पे बहुत सारी मिठाई आई होंगी, मेरे से ना बरा नहीं जा रहा, जल्दी बताओ क्या क्या आया है, मेरे को ना खाना है। अरे बेटा किचन में रखी है बहुत सारी मिठाई, जो मन करे वो खा। अभी जाता हूँ और खाता हूँ। ओ भाई मिठाइयों का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ गया। सोन पापड़ी, ये सारी भी सोन पापड़ी, ये सब भी सोन पापड़ी, यहाँ भी सोन पापड़ी। मम्मी आप तो कह रहे थे कि बहुत सारी मिठाई रखी है, लेकिन यहाँ तो सब सोन पापड़ी है, किसी ने मिल्क केक बिस्किट काजू कतली या फिर कुकीज नहीं भिजवाई क्या। अरे बेटा जब हम सबको सोन पापड़ी देंगे तो लोग हमें भी सोन पापड़ी देंगे ना। मेरी टीचर ना स्कूल में सही कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मा तो लौट के आएगा ना, अब हम सबको सोन पापड़ी देंगे तो हमें भी लोग सोन पापड़ी देंगे। अरे मम्मी। हाँ बेटा। आज तो बहुत सारी मिठाई आई होंगी, पापा के ऑफिस से आपकी सहेलियों ने दी होंगी, सारे रिश्तेदारों ने दी होंगी, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, मम्मी मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, आज तो मिठाई खा ही पेट भरूंगा मैं अपना। हाँ बेटा किचन में बहुत सारे रखे मिठाई, जाके खा ले। ठीक है आज तो भाई बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। सोन पापड़ी, ये भी सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सारी की सारी सोन पापड़ी। अरे मम्मी आप तो कह रहे थे यहाँ बहुत सारी मिठाई है, लेकिन ये तो सारी सोन पापड़ी है। अरे बेटा सोन पापड़ी की तो बात ही अलग है, ये तो शान है दिवाली की। बात तो आप सही कह रहे हो। हाँ भाई चाहे बचपन हो चाहे टीनेजर हो चाहे फिर बुढ़ापा क्यों ना हो, भाई ये सोन पापड़ी तो सोन पापड़ी रहेंगी, ये कभी नहीं बदलने वाली, सोन पापड़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज हम ये खा रहे हैं, आने वाले टाइम में कभी हमारे बच्चे होंगे ना वो भी सोन पापड़ी खाएंगे। मम्मी एक काम करता हूँ, 50 किलो सोन पापड़ी और पैक करवा के ले आता हूँ, रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में भी बांट देंगे। ठीक रहेगा बेटा ले आ। सोन पापड़ी आप भी खा लो, खा लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आप सबको वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और गाइस होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, स्पेशली देखो हमने वीडियो के लिए खुद को क्लीन शेव कर लिया था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट हमें जरूर बताना। और गाइस इस वीडियो में हम सब ने बहुत मेहनत करी है, तो आपको मेहनत तो दिखी गई होगी कि वीडियो कितनी अच्छी बनी है, ठीक है। तो कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो, ठीक है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।